मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। यहाँ पर आपको उदाहरण 20 हल करके दिखाएंगे। अभी तक उदाहरण हम हल कर चुके हैं 15, 16, 17, 18 और 19। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले उनको देखें और हल कर लें। आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा क्योंकि A to Z क्वेश्चन आपको हल करके दिखा रहे हैं, तो इसको भी हल करेंगे हम। उदाहरण 20। उदाहरण 20 में क्या लिखा है देख लेते हैं। यफ तथा जी ऐसे दो फलनों पर विचार कीजिए। अब आपको यफ और जी दो फलन है, उस पर हमें विचार करना है। आगे लिखा है जी संयोजन यफ परिभाषित है तथा एक एक ही है। तो आपको यहाँ पर दे दिया गया, यहाँ पर आपको दे दिया गया है कि जी संयोजन यफ परिभाषित है और एक एक ही है, ठीक है। आगे लिखा है क्या यफ तथा जी दोनों अनिवार्यता एक एक ही हैं। तो आपको हल करके बताना पड़ेगा कि यफ और जी दोनों अनिवार्यता एक एक ही हैं या नहीं। हल करके बताना है, चेक करना है कि यफ और जी एक एक ही हैं या नहीं। तो इतना तो क्लियर है, जो आपको दिया गया है जी संयोजन यफ ये तो एक एक ही है मेरे भाई, क्योंकि हमको दे दिया गया है। आपको चेक करना है कि यफ जो फलन है और जी फलन है एक एक ही है या नहीं है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, जी संयोजन यफ ये दिया है, इसी को सबसे पहले आप लोग लिखो। इसका हल देखो आप लोग, दिया है जी संयोजन यफ एक एक ही है। क्या लिखो यहाँ पे, एक एक ही है, ठीक है आपने लिख दिया। तो निर्धारित प्रतिचित्रण, अब आपको प्रतिचित्रण लिख लेना है। कैसे लिखोगे जी संयोजन यफ का प्रतिचित्रण, हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन 19 और क्वेश्चन 18 ये दो क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि दोनों में ही जी संयोजन यफ की प्रतिचित्रण दे दी गई थी। तो यहाँ से आपको समझ लेना है जी संयोजन यफ सच दैट ए टेंस टू सी, ये आपको प्रतिचित्र लिख लेना है। अब आपको पता है अगर जी संयोजन यफ क्या है, एक एक ही है, और ए और सी आपने समुच्चय लिए हैं। क्या लिए, ए और सी। तो आप लोग बता दीजिए ए और सी जो समुच्चय हैं अपरिमित हैं कि परिमित हैं। यहाँ पर पता नहीं है, जो समुच्चय ए है और सी है पता नहीं है कि परिमित है कि अपरिमित है। तो आपको फार्मूले से ही क्वेश्चन हल करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, फार्मूले से हल करना है। प्रश्नावली 1.2 में बताया था हमने, जब समुच्चय अपरिमित हो तो फार्मूले से क्वेश्चन हल करेंगे। तो यहाँ पर पता नहीं था कि समुच्चय ए और सी परिमित हैं कि अपरिमित हैं। जब पता ना चले मेरे भाई तो आपको फार्मूले से ही हल करना है। तो यहाँ पर दिया है एक एक ही, तो दिया है मेरे भाई, तो इसका फार्मूला आप लोग लिख लो। देखो कैसे, ये जो आगे वाला समुच्चय होता है एक्स के लिए होता है और जे जेड के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको तीन समुच्चय की जरूरत पड़ेगी, ए समुच्चय एक्स के लिए, बी समुच्चय वाई के लिए और सी समुच्चय जेड के लिए, ठीक है। तो हमने एक्स जो है समुच्चय ए के लिए लिख दिया है और जेड जो है समुच्चय सी के लिए लिख दिया है। अब आपको फार्मूला यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे बताया है जी संयोजन यफ क्या है, एक एक ही है। तो जी संयोजन यफ, ठीक है, दोनों तरफ आपको रखना है, क्योंकि एक एक ही में क्या होता है, दोनों पक्षों में आपको इतना लिखना है। अब आपको पता है कि यहाँ पर आपको चर लिखना है, चर कौन सा लिखोगे, पास वाला लिखना है। यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स वन और यहाँ पे एक्स टू, ठीक है। अब आपको पता है इसके आगे कौन सी लाइन आएगी, एक्स वन इक्वल एक्स टू आएगा, फिर फॉर एवरी एक्स वन कामा एक्स टू, ये दो अभी अब किस में बिलोंग करेंगे, आगे वाले समुच्चय में। ये एक एक ही है ना, तो आपको पता है दोनों पक्षों से हटा देते हैं ना, जी संयोजन यफ हटा दो दोनों पक्षों से। क्यों, क्योंकि हमको बताया है जी संयोजन यफ एक एक ही है। तो यहाँ पर आपको सामने लिखना पड़ेगा। अब आपको बता देते हैं कैसे आप लोग लिखोगे। यहाँ पे आपने दोनों पक्षों से हटाया है तो x1 और x2 लिखा है, तो यहाँ पर बताना पड़ेगा जी संयोजन यफ एक एक ही है।
जी संयोजन f क्या है, एक एक ही है, तभी दोनों पक्षों से हटा दिया, एक्स वन इक्वल एक्स टू लिख दिया। फिर ये तो दिया है, ठीक है, अब आपको पता है कि इसका यूज हम करेंगे, इसे समीकरण एक डालो, इसका जरूर यूज होगा। एफ और जी आपको चेक करना है कि एक एक ही है या नहीं। अब आपको क्या करना है, नाव लिखना है, फिर अब आपको एफ और जी से प्रतिचित्रण लिख लेना है। देखो एफ सच दैट ए टेंस टू बी, ठीक है, फिर तथा जी सच दैट बी टेंस टू सी। आपको हमने बताया है क्वेश्चन 18 और क्वेश्चन 19, ये देख लेना, प्रतिचित्रण लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब इन्हें मिक्स करके लिखा जाता है तो बी से बी सेम टू सेम हटा देते हैं, तभी यहाँ पर ए सी लिखा है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। अब ये आपको मतलब हल करके ये बताना है कि एक एक ही है या नहीं, चेक करना है। तो आपको पता है ये जो आगे वाला समुच्चय है एक्स के लिए होता है, बाद वाला बाई के लिए, तो यहाँ पे भी यहाँ पर भी है, तो ये भी बाई के लिए होगा, ये किसके लिए होगा, जेड के लिए। अब आपको समीकरण एक का यूज करना है यहाँ पर, तो क्या लिख देना है, समीकरण एक से जैसा लिख रहे हैं वैसा ही आप लोग लिखना, ठीक है। समीकरण एक से हमने क्या लिख दिया, एक्स वन इक्वल एक्स टू फॉर एवरी एक्स वन कामा एक्स टू, यहाँ पर क्या है, बिलोंग्स टू ए। अब ए बताइए, यहीं से पता से चलेगा कि एफ एक एक ही होगा या नहीं होगा, जी एक एक ही होगा या नहीं, यहीं से पता चलेगा। यहाँ पर क्या है, बिलोंग्स टू ए है, तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ये ए इसमें है कि इसमें है, तो इस वाली प्रतिचित्रण में ए मिला है, तो इससे ये पता चल गया एफ एक एक ही होगा और जी एक एक ही नहीं होगा। यही ट्रिक है, क्या ट्रिक है, समीकरण एक से आपने आंसर सीट लिख ली, ठीक है। फिर बिलोंग्स टू ए है, तो बिलोंग्स टू ए मतलब ए समुच्चय देखना है इसमें है कि इसमें है, तो आपको पहली वाली प्रतिचित्रण में ए समुच्चय दिख रहा है, इसका मीन्स है कि एफ क्या होगा, एक एक ही फलन होगा और जी एक एक ही फलन नहीं होगा, ठीक है। यही ट्रिक है, आप लोग सीख लेना। अब आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में हम क्या ले लेते हैं, एफ फलन ले लो, एफ एक्स वन इक्वल एफ एक्स टू, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, जब आपने एक एक ही दिया था तो आपने दोनों पक्षों से हटा दिया था, अब आपको उल्टा सिद्ध करना है, कैसे, एक्स वन इक्वल एक्स टू तो यहाँ से मिल गया, अब दोनों पक्षों में हमने क्या ले लिया, एफ, क्यों ले लिया, क्योंकि बराबर है और ये दोनों किस में बिलोंग कर रहे हैं, ए में, तो ए आपको इसमें दिख रहा है, ए के पास क्या है, एफ, तो आपने दोनों पक्षों में क्या फलन ले लिया, ए ले लिया, ठीक है। अब आपको इसके आगे लिख देना है, क्या लिखना है, कि एफ जो है एक एक ही है। अगर बात करते हैं जी की, तो जी एक एक ही नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो ए समुच्चय है वो इसमें मैच हुआ है, इसमें नहीं हुआ है। अगर इसमें ये समुच्चय मैच हो जाता तो जी एक एक ही हो जाता और एफ एक एक ही फलन नहीं होता। तो ए समुच्चय इसमें मैच हुआ है, इसमें नहीं हुआ है, जिसमें मैच हुआ है वही एक एक ही है, तो आपको क्या लिख देना है, एफ एक एक ही फलन है, एफ एक एक ही फलन है। लेकिन जी एक एक ही फलन नहीं है, यहां पर आपको इतना लिखना पड़ेगा, उदाहरण 20 में इतना लिखने के बाद ये कंप्लीट हो गया। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में उदाहरण 21 हल करके दिखाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, चैनल का नाम पता ही आपको, वाईफाई सक्सेस क्लास है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।